Hey, what's up guys? Welcome back to our brand new Pokemon Unite video. And आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं मैच चॉम से खेलने वाला हूँ एंड मेरे साथ है मेरा एक फ्रेंड रॉक जो कि मिस्टर माइंड से खेलता है एंड बेचारे को एक ही पोकेमोन से खेलना आता है, ठीक है। जब भी हम दोनों साथ में खेलते हैं तो हम यही वाला बिल्ड ट्राई करते हैं मैच चॉम के साथ मिस्टर माइंड। और हमारा जो गोल होता है वो स्टार्टिंग में ये होता है कि हम जाएंगे नीचे के बेस में, दोनों स्टैक करेंगे एंड जितना कम हो सके उतना कम फार्म देंगे अपोनेंट के। तो हम भाई वही ट्राई कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने दो जो NPCs था दो पॉइंट का वो मैंने ले लिया एंड फिर जाता हूँ मैं नीचे की तरफ। तब तक रॉक ऊपर का संभाल रहा है। अब नीचे का लेना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि अपोनेंट भी आ गया था, लेकिन हम सक्सेसफुली लेते हैं एंड फोकस बैंड की वजह से मैं यहाँ पर बच भी जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर दोबारा स्टैक करता हूँ एंड ये शायद से मेरा तीसरा स्टैक है, तो मैं यहाँ से कट लेता हूँ क्योंकि अभी डेसिडुआई भी आ गया था एंड भाई ऑलमोस्ट ये लोग मुझे ख़त्म करने ही वाले थे। अच्छा हो कि मैं ग्रास में छुप गया था एंड उनका जो वाटो एम है वो NPCs पे लग गया, तो मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पर डेसिडुआई आ गया था एंड बजबुल स्टैक कर रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बजबुल से फाइट लेने जाऊँगा तो यार डेसिडुआई बच के भाग जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगर तुम मैच वॉम से खेल रहे हो एंड मतलब आगे तुम्हारे सामने डेसिडुआई आ जाए तो भाई फुल ट्राई करो डेसिडुआई एंड जो गेंगार है उनको मारने का एंड उनको अंडर लेवल रखने का। यहाँ पर देखो मैं बहुत ही मुश्किल से बचता हूँ, मतलब गेंगार ऑलमोस्ट ख़त्म ही करने वाला था लेकिन बच जाता हूँ मैं एंड फिर थोड़ा सा फार्म करके मैं फिर से बेस की तरफ जाता हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत ही लो HP है एंड डेसिडुआई का जो भाई बेसिक अटैक है ना वही काफ़ी है मुझे ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए मैं बार बार बेस की तरफ जा रहा था एंड थोड़ा सामने आके देख रहा था कि हो क्या रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट सामने भी नहीं जा सकता ना। अब यहाँ पर ग्रेनिंजा आ गया था तो मैं एक बेरी उसके लिए रख देता हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा पोजीशन ले लेता हूँ ताकि देख सकूँ कौन कहाँ पर है। यहाँ पर ये दोनों ही बेस की तरफ रहता है एंड जो हमारा रॉक है उसने डेसिडुआई को एक कन्फ्यूजन मार दिया था, तो मैं समझ गया था कि अब मेरी बारी है उसको ख़त्म करने का, तो मैं उसे ईजिली ख़त्म कर देता हूँ एंड उसके बाद बजबुल को ख़त्म करके यहाँ पर स्टैक कंप्लीट कर लेता हूँ। यार लेटेस्ट वर्जन में जो ऑप्शन आया है ना स्टैक शो करने का, मतलब दिखा देता है उसमें कितना स्टैक हुआ है, वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कितना स्टैक हमने कर लिया है। यहाँ पर देखो गेंगार आया था उसको भी हमने ख़त्म कर दिया इजीली एंड ये मत सोचना यार ये नूब है भाई, इनको स्टार्टिंग में फार्म नहीं मिला था करके इनको हम थोड़ा डोमिनेट कर पा रहे थे, लेकिन अगर इनको फार्म मिल गया तो भाई ये ख़त्म कर देंगे हम इजीली। यहाँ पर देखो इजीली 2 KO निकल गया है मेरा एंड मुझे लगा था नहीं मिलेगा लेकिन निकल गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पूछ देने का ट्राई करते हैं। डेसिडुआई मुझे फिर से दिखा तो मैं उसी के ऊपर जंप मार दिया, ठीक है, क्योंकि उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। वो लास्ट तक अगर 14 लेवल 15 लेवल हो गया तो ये बाट लगा के रख देगा। तो यहाँ पर हम स्टैक करते हैं थोड़ा बहुत और, मतलब गोल करते हैं एंड फिर यहाँ पर मैं उसको मारने का फुल ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा भाग जाता है। अब यार शायद ये हमारे लिए एक गलती साबित हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए था भाई, ख़त्म हो ही गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर मिस्टर माइंड बच जाता है, आई थिंक वो संभाल लेगा एंड कूल डाउन चल रहा है, देखते यार आने के बाद रजिलिकी भी लेना है। मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया था क्योंकि हम बहुत टाइम से ऊपर लड़ रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था ना, हमें मिल रहा था ना अपोनेंट टीम को मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले जाऊँगा नीचे एंड तब तक रॉक ऊपर संभालेगा एंड हम मतलब रेजी रॉक भी ले लेंगे एंड हो सके तो रेजिलिकी भी ले लेंगे एंड अगर नहीं भी मिलता है रेजिलिकी तो हम डिफेंड कर लेंगे। तो हम सक्सेसफुली नीचे का तो ले लेते हैं लेकिन ऊपर का हमें नहीं मिलता, तो यहाँ पर हम डिफेंड कर लेते हैं एंड ये वाला डिफेंड हो भी जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग पुश कर ही नहीं पाते। तो इसको ख़त्म करते हैं एंड फिर हम थोड़ा सा और पुश करने का ट्राई करते हैं क्योंकि उनका ऊपर का अभी भी बेस बचा हुआ था एंड मेरे पास अल्टी आ गया था। तो भाई इस बार ये ख़त्म है, दोनों ख़त्म है एंड देखो यहाँ पर एक ख़त्म हुआ एंड ये दूसरा, शायद ये वाला किल मुझे मिला, अच्छा ठीक है मुझे ही मिला है किल एंड भाई हमने सक्सेसफुली 7 के जगह पे 40-50 का गोल मार दिया है एंड 1v3 हो गया है। तो हम फिर से थोड़ा बहुत मतलब गोल करने जाते हैं क्योंकि मेरे पास भी 10 था एंड रॉक के पास भी था, मेरा तो हो जाता है लेकिन रॉक का नहीं हो पाता क्योंकि ये बीच में आ गया था 4000 मतलब 4 मिलियन। तो मैं यहाँ पर फिर से एक गोल कर देता हूँ एंड इस बार हम वो वाला गलती नहीं करेंगे। तब हम अंदर घुस गए थे जिसकी वजह से हम मर गए थे एंड अपोनेंट को अच्छा खासा लेवल मिल गया था, ठीक है, तो इस बार हम वो नहीं करेंगे एंड मुझे अभी पता चल गया था कि वो जो अपोनेंट का पोकन है वो कूदने वाला है, ठीक है, तो हम इसलिए यहीं पर रिटर्न आ जाते हैं एंड जैसे ही बंदा कूदता है हम उसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर गेंगार भी आ गया था एंड साथ ही साथ विनासोर भी आ गया था, तो भाई विनासोर भी ख़त्म हो जाता है एंड गेंगार को भी फुल ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। किल मुझे नहीं मिलता शायद गेंगार का, भाई अल्टी भी यूज़ कर दिया इसने मेरे पे,
बट कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि इसका अल्टी वेस्ट हो गया क्योंकि ऊपर रिजल्ट क्या आने वाला था। एंड हमारे जो मिस्टर माइम भैया है उसने भी वही सेम चीज़ किया, पहले तो वो बच गया, अल्टी उसका ख़त्म होने दिया उसने, फिर भाई जैसे ही वो रुका इसने भी अल्टी यूज़ कर दिया, जबकि उसको अपना अल्टी यूज़ नहीं करना चाहिए था क्योंकि यार किसी भी ऑब्जेक्टिव के टाइम पे मिस्टर माइम का जो अल्टी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसने फिर भी यूज़ कर दिया था ताकि वो ना मरे। एंड भाई वो हमेशा ऐसा ही करता है, इसको इतना समझाता हूँ कि भाई ऐसा मत किया कर, बट फिर भी वो कहीं सुनता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा अल्टी चार्ज हो गया है, हमने जंगल भी थोड़ा सा फार्म कर लिया है लेवल एडवांटेज लेने के लिए, लेकिन 11 लेवल का ही वो फिर भी, तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ एंड ट्राई करूँगा रेजिली की इस बार लेने का। यहाँ पर अभी तक कोई नहीं दिख रहा था तो मैं और जो नाइनटेल है वो हम दोनों चालू कर देते हैं स्टार्ट करना। एंड यहाँ पर देखो एक सोलर बूम आया है, मतलब आजू बाजू ही कहीं पे है। एंड मैं ट्राई करता हूँ एक और आने का, तो जैसे ही दूसरा बंदा आता है मैंने अल्टी यूज़ कर दिया, लेकिन भाई ये नीचे की तरफ कैसे चला गया अल्टी मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे थोड़ा सा पोजीशन ले लेना चाहिए था। यहाँ पर मैं ख़त्म हो गया था एंड जो मेरा मिस्टर माइम है वो नीचे की तरफ देखो फार्म कर रहा है, बंदे ने एक तो अल्टी यूज़ कर दिया एंड फिर बोल रहा था कि भाई मैं थोड़ा सा फार्म कर लेता हूँ, अल्टी चार्ज कर लेता हूँ, लेकिन हम ऊपर संभाल नहीं पाते तो उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। ऊपर भले ही रजेले की पुश हो गया था लेकिन उसने अच्छा डिफेंड किया था, ठीक है, मतलब डिफेंड तो सही किया था, डेसरूट वाई को ख़त्म कर दिया वन शॉट में, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई मिस्टर माइम का एक कन्फ्यूज़न अगर स्वाइप गार्ड के साथ लग गया तो भाई बंदे का ऑलमोस्ट 70-80% HP डाउन हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि टीम में एक मिस्टर माइम होना ही चाहिए कि वो अपने टीम को अच्छा खासा लीड दिला सकता है। यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा जंगल फार्म कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट का टाइम आ चुका था एंड मेरे पास अभी तक अल्टी रेडी नहीं हुआ था। ओ भाई मिस्टर माइम ने दो बंदों को किल कर दिया एंड वो गोल भी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, अगर रुकता था तो यार वो शायद 100 का गोल डाल सकता था। देखो जैसे ही उसने गोल किया उसके 3-4 सेकंड बाद भाई फाइनल वाला स्ट्राइक चालू हो गया है। अब मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ क्योंकि अपोनेंट यहीं से आने वाले थे, मुझे लगा था कि डेसरूटा यहीं से आएगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा एंड मैं सक्सेसफुल हो भी जाता था। मिस्टर माइन यहाँ पर आके मेरे बाजू में खड़ा हो गया, जिसको देख के विनासोर ने अपना अल्टी वल्टी सब यूज़ कर दिया, ठीक है, तो मैं सोच रहा था इसको ही पहले ख़त्म कर देते, लेकिन मेरे हाथ से डेसरूट वाई फिसल गया इसकी वजह से, क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर कूदा तो देखो बाकी 3-4 बंदे भी आ गए थे। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चारिजार्ड इसके ऊपर तो यूनाइट का कोई असर ही नहीं होता, मतलब कभी कभी ऐसा ही लगता है मुझे, उसके ऊपर भी यूनाइट था, ठीक है, लेकिन वो कैसे पता नहीं बच गया। अब मैं यहाँ पर मर जाता हूँ एंड भाई जब तक मैं रिवाइव होकर आता हूँ तब तक उनके भी बंदे रिवाइव हो गए थे, मतलब डेसरूट वाइव वगैरह सब रिवाइव हो गए थे। एंड हमारा नाइनटेल देखो इसके पास इतनी कम HP है फिर भी वो वाइंड के अंदर घुस गया, पता नहीं क्यों, उनके 3 बंदे डाउन थे एंड मिस्टर माइम ले रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेता हूँ, उसने अल्टी यूज़ कर दिया था, लेकिन डेसरूट वाइव का जो स्पेक शागल है ना उसने भाई चोरी कर लिया था, ठीक है, तो मैं गेंगार को डैमेज देता हूँ क्योंकि डेसरूट वाइव के पास उतना HP बचा नहीं है कि वो शील्ड को लेके गोल कर पाए, तो इसलिए मैं गेंगार के ऊपर अटैक करता हूँ एंड मेरा जो फ्रेंड है मिस्टर माइम वो डेसरूट वाई के पीछे जाता है। यहाँ पर सक्सेसफुली नीचे की तरफ डिफेंड हो जाता है एंड क्योंकि मैंने गेंगार को भी डैमेज कर दिया था तो उसका भी शील्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सरेंडर कर देते क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था और हम इजीली जीत जाते। देखते यार कितना स्कोर हुआ था, वैसे तो अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था तो ज़्यादा हाई रेट पर हम जीते नहीं होंगे, या मतलब 200 गोल के आसपास। यहाँ पर देख सकते हो 14 किल 11 असिस्ट मिस्टर माइम का है, मेरा कम है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डैमेज नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। सो यार गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप कि तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए, और फिर मिलता हूँ मैं तुमको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।